मतलब आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, पर बहुत कम वक्त मिलता है ना, कभी कभी आप अपनी फोटो कोई पोस्ट कर दे तो उसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार कमेंट्स करती है, तो हमने कुछ छांट के रखे हैं आपके लिए, आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ये जूही जी ने कई फोटो डाली है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। चूज विच टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यू आर रेडी टू रिप्लेस। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। जी मैडम, आप ये ब्रश एक ही बार यूज करते हो क्या? हम तो तब तक करते हैं जब तक ब्रश के दांत ना झड़ जाएं। नीचे और मजेदार है, बाहरी हीरोइन ऊपर के दांतों के लिए अलग और नीचे के दांतों के लिए अलग। लोग अभी देखो क्रिएटिव लोग हैं। और भी आगे आपने कहा, ओहो चिट्ठी लिख दी किसी ने, मैडम ऐसे नहीं बिकेगा, लोकल ट्रेन में चढ़िए दादर से और बोलिए दस का दो दस का दो दस का दो। बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए दस का दो दस का दो। अच्छा रहेगा तो दांत साफ करेगा, पुराना हुआ तो पजामे में नाड़ा डालेगा काम आएगा। जिसका दांत साफ वही मुस्कुराएगा, वरना बीवी भी पास नहीं बिठाएगा। ये कोई शायर लगता है, दिल जला कोई। दस का दो दस का दो। मैडम एडवाइस के लिए इस नंबर पे पे करें, पे करें। अच्छा वो पैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है, पे करें, पे भी करें। हाँ और आगे दिखाइए। मगर ये बहुत सही बोला है ना उन्होंने, हम एक टूथब्रश होता है हाँ, जब तक उसके दांत सच्ची में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, फिर उसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, फिर ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए करते हैं, और फाइनली वो नाड़े में ही पहुंच जाता है। सही बोल रहा है। कई तो लेडीज काट के उसमें धागा डाल के इयररिंग भी बना लेती हैं। तो प्लीज ये नेक्स्ट लेवल है, ये कौन करता है? इयररिंग बनाने मेरे दादाजी के दांत भेज रहा हूँ, चमका के भेज देना। ये तो कमाल हो गया। वाह। और भी हैं। ओके। ओह गॉड। मधु जी की फोटो #ZenTuesdayVibes। ओके तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या है। मगर मधु तुम योगा कर रही थी या फोटो खींच रही थी? ले रही हो। कर क्या कर रही थी? मैडम फोन फेस रीडिंग नहीं कर पा रहा, थोड़ा और मेकअप करो तब अनलॉक होगा। मेरी बीबी के साथ भी ऐसा होता है, लिखा है उसने। या तो पूरी सोशल मीडिया पर रहो या पूरी योगा में, आधा अधूरा आधा आधा क्यों रखा है। अच्छा कोई बात जो अभी आप बोल रही थी। आगे देर आर टू मीन्स ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम द मिस सीरीज। ओ बड़ी मुश्किल इंग्लिश अभी। देर आर टू रिफ्यूजी रिफ्यूज फ्रॉम द मिजरीज ऑफ लाइफ, म्यूजिक एंड कैट्स। आगे नाम पढ़ो फिर, कोट किसका है? अल्बर्ट श्वाइट्जर। अल्बर्ट श्वाइट्जर। श्वाइट्जर आपको कैसे पता? पढ़े लिखे। हाँ तो कमेंट्स दिखाइए जरा, कितनी खूबसूरत कैट है। मेरी है। मेरी है। हाँ, yes, I'm sure. अब आप चलिए कैट वॉक हो जाएगा। नीचे दा मजेदार म्याऊं म्याऊं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या मैं भी आपकी गोदी में आ सकता हूँ? आजा नीचे रिप्लाई देखो। I love the reply. उनको बिल्ली पसंद है, गधे नहीं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये जानता है जो भी है। Very good. This is too funny. और आगे दिखाइए। अब आप कैट का एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। CAT एग्जाम होगा। और आगे ऑन द वे टू बाड़ा फार्म। बाड़ा फार्म कमेंट्स पढ़ते हैं क्या आए हैं। सस्ता सनफ्लावर तेल लेने आप सीधे खेत में पहुंच गए। रिप्लाई लिखा किसी ने, अबे इनका खुद का खेत होगा मूंगफली का तेल खाने वाले। नीचे बड़ा फैंस लड़ते हैं पता है एक दूसरे, मतलब अगर आपको किसी ने गलत लिखा तो नीचे वो फिर वाट लगा देते हैं। ये भी आजकल। और भी दिखाइए। इस फोटो में एक सन है और एक फ्लावर है। वाह।
हस्बैंड भी है जो फोटो खींच रहा है, रिप्लाई किया कि दे हैव ओनली डिसाइडेड एवरीथिंग. हां पूरे रिश्ते रिश्ते बना दिए उन्होंने. फोटो खिंचाने का कितना शौक है. मैडम तो कैमरा देख ही रही हैं, सारे फूल भी कैमरा में देख रहे हैं. क्या ऑब्जर्वेशन है ना. ऑब्जर्वेशन कितने कमाल के लोग. डिफरेंट है. और आगे दिखाइए. आयशा जुल्का, देयर आर स्टिल सम वंडरफुल सो मेनी इंग्लिश. ओके आगे आगे कमेंट्स. जैकी दादा, मुंह पे हाथ नहीं मास्क लगाना है. रिप्लाई. और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है. नेक्स्ट. जैकी दादा, गलत जगह पहुंच गए, ये आयशा श्रॉफ नहीं आयशा चुटकी. ध्यान से आयशा जी, जग्गू दादा आपको टोपी ना पहना दे. नेक्स्ट. फाइनली पढ़ाई कर. बोर्ड माय चिल्ड्रन स्टेशनरी, कलर पेंस फॉर माय आयुर्वेदा ऑनलाइन क्लास. अच्छा आगे कमेंट्स दिखाइए. मैडम आपने आयुर्वेदा का कोर्स किया है तो बताइए, घुटनों में दर्द हो तो कौन सा तेल लगाएं. मुझे जावेद अख्तर साहब को बताना है, वो पता नहीं कौन सा तेल बेच रहे हैं. मैडम आयुर्वेद के चक्कर में अपना नाम जूही चावला से जूही आमला मत कर देना. और ये सबसे बेस्ट है. ये सबसे बेस्ट है. थैंक गॉड खत्म हुआ. जूही जी, मधु जी, आयशा जी, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उन्होंने अपने सवाल लिख के हमें दिए हैं. तो ये लेडीज के सवाल हैं आप तीनों के लिए. अच्छा, उनका ये कहना है कि आपको तो बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस गिफ्ट आते होंगे, आप हीरोइन हैं, तो कभी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसे अपने रिश्तेदार या दोस्त को चिपकाया है. मैंने चिपकाया. अच्छा, वेल डन, वेल डन. जो पहनना नहीं. और मेरे हस्बैंड की ये आदत है गंदी, अभी फिर हस्बैंड मैं ही ले आई हूँ. लेकिन फिर हस्बैंड ले आई. आई नो, पर अब सुन ही लो क्योंकि ये बताना जरूरी होता है. कि जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसी साड़ी आ जाए या ऐसा कोई गिफ्ट आ जो उसको नहीं पसंद आया, मेरे लिए मुझे पसंद है लेकिन उसको नहीं पसंद है, यू कांट वेयर इट. अब ये क्या बात हुई. एंड देन बहस होगी, ये होगा वो होगा. तो फिर फायदा किसको होता है. जिसको गिफ्ट जाती है, गिफ्ट जाती है. फिर वो आगे चली जाती है पैक होकर. तो हिरन भी ऐसा करती है कभी. हाँ, करती है. मैं तो कभी कोई नेल पेंट की बॉटल सूख गई हो तो थिनर डाल के नेल पेंट चलाया. कभी किटी पार्टी में 10 की जगह 15 लोग आ गए हो और खाना कम पड़ गया हो तो दाल में पानी डाल के दाल बढ़ाई है और पीछे से हस्बैंड को पाव लेने भेजा. मैं तो एक भी किटी का हिस्सा नहीं हूँ. किटी पार्टी करती नहीं आप. नहीं, आप भी नहीं करती. मैं करती थी पहले. अच्छा, जब शादी हुई थी मेरी शुरू में, आई वाज अ पार्ट ऑफ ऑल द किटीज. अच्छा, मैं कभी नहीं, लाइफ में कभी किटी पार्टी नहीं. पर किटी तो लेडीज के लिए. मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं. आज मैं उधर आके तेरे को पिटूंगी. मैंने कुछ, मैंने पूरी बात नहीं सुनी. क्या बोला, क्या हुआ, ये क्या हुआ. मैं तो किटी पे नहीं जाती. मैंने कहा वो लेडीज के लिए होती है तो बुरा मान गई. सॉरी, ये बहाना है इनको सूट दिखाना ना अपना. मारूंगी तुझे. अच्छा, ओके ओके ओके. क्या बात है सनी, वाह, सीरियसली बहुत प्यारा है. लेकिन हमने इतना सूट देखा, पता ही आपको तो बहुत ही प्यारा. अगर आप मुझे मारने के लिए उठी होती ना तो आप सीधा ऐसे ही करती. आपने कहा मारूंगी तुझे मैं. नीचे आप फुटवेयर दिखा गई अपना. ओके, आई लव लेडीज टॉक. यू नजर आ रहा है. पता लग रहा है मुझे. चारों तरफ लेडीज. तूने किट्टी पार्टी में जरूर पार्टी. हाँ. मुझे समझ में नहीं आती क्या करती हैं लेडीज. मेरे घर में एक दो बार हुई, मैं बाहर बैठा हुआ था अपना काम कर रहा था, अंदर से हा हा हा, फिर थोड़ी देर बाद हा हा हा, फिर एकदम मैं अंदर गया तो सारी पता नहीं पेपर ले कुछ लगी थी. कपिल शर्मा शो देख रही होंगी इसलिए तो पता नहीं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.